एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शुरू हो गया है 5 राज्यों का सबसे बड़ा चुनावी शो ऐलान जंग। देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज धुआंधार रैली कर सियासी समा बांध दिया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रैली की और मेवाड़ रीजन में पार्टी की मजबूत कड़ियों को और मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चित्तौड़गढ़ रैली के सियासी मायने क्या है, आज शुरुआत इसी को समझने से करते हैं। कुछ इस तरह पीएम मोदी ने आज चित्तौड़गढ़ में चुनावी शंखनाद की। पहले सांवलिया सेठ मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ। सांवलिया सेठ महाराज की। और फिर खुली जीप पर सवार होकर सभा स्थल पहुंचे, जहां महिलाओं का कारवां पीएम के काफिले के साथ कदम ताल कर मोदी मोदी का नारा बुलंद कर रहा था। स्वागत है। मंच पर जब पीएम मोदी पहुंचे तो सिटिंग अरेंजमेंट के जरिए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की गई। पीएम मोदी के एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की कुर्सी लगी थी तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की, जबकि केंद्रीय नेताओं और नेता विपक्ष की कुर्सी इसके बाद लगी थी। कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। पीएम मोदी ने जब मंच से माइक संभाला तो गहलोत सरकार के काउंटडाउन की मुनादी भी कर दी और इसके लिए उन्होंने सीएम गहलोत के बयान का ही काउंटर कर दिया। गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। राजस्थान में गहलोत के किले को ढहाने के लिए बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टिकरण की तीर चला रही है और आज मंच से पीएम मोदी ने पिछले साल उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की याद कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के मेवाड़ रीजन में आता है और उदयपुर की जिस घटना का पीएम चित्तौड़गढ़ में जिक्र कर रहे थे वो भी इसी मेवाड़ रीजन में पड़ता है। साल 2018 में सत्ता गंवाने के बावजूद मेवाड़ ही वो बड़ा रीजन था जहां बीजेपी कांग्रेस पर 20 साबित हुई थी। मेवाड़ रीजन में विधानसभा की 43 सीट है, बीजेपी को यहां 25 सीट मिली थी जबकि कांग्रेस 14 सीटों पर सिमट गई थी। अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। वीरता और शौर्य की भूमि मेवाड़ को राजस्थान में बीजेपी का गढ़ कहा जा सकता है। 27 जुलाई को जब सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए सर्वे किया था तो आंकड़े कुछ इस तरह के दिखे थे। मेवाड़ रीजन 43 सीटों में से बीजेपी को 26 से 30 सीट जबकि कांग्रेस को सिर्फ 12 से 16 सीट मिलने का अनुमान जताया गया था। चित्तौड़गढ़ में साफ साफ दिखाई देता है बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ से आज पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए राजस्थान का एजेंडा सेट कर दिया है और आने वाले वक्त में कन्हैया लाल हत्याकांड से लेकर क्राइम के आंकड़ों का
चुनाव मंच से पोस्टमार्टम होना तय है। और राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। ये वो इलाका जहां बीजेपी कमजोर है। 2018 में बीजेपी को इसी ग्वालियर इलाके में हार मिली थी। हार को जीत में बदलने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को यहां विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य तैयारी में है पार्टी। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। सिर्फ गाने की धुन नहीं, जन भावनाओं का सैलाब भी है। और ग्वालियर में जुटी भीड़ ने इस बात की गवाही दी है। जब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से पीएम मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ पीएम मोदी खुली जीप में मंच की ओर बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर हर एक का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और मंच से कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए, ये उनकी नाकामी है। मंच पर जब पीएम मोदी पहुंचे तो एक तरफ राज्य के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी थी, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रियों की फौज। इन्हीं केंद्रीय मंत्रियों में से दो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री मोदी के बाईं ओर बैठे थे। जिस ग्वालियर जिले में पीएम मोदी योजनाओं की सौगात देने पहुंचे, वो ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर दोनों चंबल रीजन से ही आते हैं। नरेंद्र तोमर को विधानसभा में उतारकर बीजेपी ने चंबल के दुर्ग को मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं सिंधिया के भी शिवपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा गर्म है। चंबल रीजन में विधानसभा की 34 सीट है। 2018 में कांग्रेस को 26 और बीजेपी को सिर्फ 7 सीट मिली थी। जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ 5 सीटों का फासला था, सिंधिया को अपने खेमे में शामिल कर बीजेपी ने सत्ता हासिल की। और अब चंबल के सियासी गणित को सुधारने में लगी है, क्योंकि साल 2013 में बीजेपी का प्रदर्शन यहां काफी अच्छा था। भारत माता की, सभी बहनों भाइयों की। और देश की सियासत के लिहाज से बेहद बड़ी खबर आज बिहार से आई है, जहां जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आ गए हैं। अब इन आंकड़ों के बाद देश की सियासत गर्म है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कह रही है, सत्ता में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे। तो आखिर क्यों विपक्ष को जातीय राजनीति की जरूरत पड़ी है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सामने आ गए हैं और इन आंकड़ों ने देश की सियासत को गर्मा दिया है। चुनावी राज्यों के ये आंकड़े किस तरह से असर डालने वाले हैं, इसकी बात करेंगे। पहले देखिए बिहार से क्या आंकड़े आए हैं। मोटे तौर पर समझे तो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग की आबादी है, जो 36% है। पिछड़े वर्ग की आबादी 27% है। एससी आबादी 19.65%, एसटी की 1.68% और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। ये आंकड़े सभी धर्मों के लोगों को मिलाकर है। अगर इसमें से कुछ प्रमुख जातियों के आंकड़े की बात करें तो अकेले सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है, जो प्रदेश में 14.26% के साथ टॉप पर है। इस जाति के वोटरों पर लालू यादव की अच्छी पकड़ है। सीएम जिस कुर्मी जाति से आते हैं, उसकी आबादी महज 2.87% है। उपेंद्र कुशवाहा जिस कोयरी बिरादरी की राजनीति करते हैं, उसकी आबादी 4.21% है। चिराग पासवान की जिस पासवान जाति के वोटरों पर पकड़ है, उसकी आबादी 5.31% है। जीतन राम मांझी जिस मांझी वोटरों की राजनीति करते हैं, उसकी आबादी 3.08% है।
जातीय गणना के इन आंकड़ों में वैश्य समूह को अलग अलग जातियों में बांटा गया है। इस वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ है। इसके अलावा सवर्णों का जो वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है, उसके आंकड़ों को समझिए। ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86%, कायस्थ 0.6%। ये कुल 10.5% के आसपास का आंकड़ा है। राजनीतिक गलियारों में और खासकर टीवी प्रिंट मीडिया में बिहार की जाति के जो आंकड़े पहले से चलते रहे हैं, उसको आधार माने तो सवर्णों के साथ ही नीतीश कुमार की जाति कुर्मी वोटरों की संख्या कम हुई है। सरकार कह रही है कि अब इन आंकड़ों का इस्तेमाल विकास और योजनाओं को बनाने में किया जाएगा। ये तो रही बिहार की बात, अब इसी आधार पर बाकी राज्यों में भी जातीय गणना की चर्चा होने लगी है। आज ही पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सत्ता में आएंगे तो प्रदेश में जातीय गणना कराएंगे। सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। बधाई। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में चुनाव भी है, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी, तो वहाँ पर भी क्या होने चाहिए आंकड़े? हम तो हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। तो सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या? निश्चित। इससे पहले राहुल गांधी भी देश में जातीय गणना कराने का वादा चुनावी सभाओं में करते रहे हैं। असल में ओबीसी वोट बैंक के दम पर पिछले दो चुनावों से बीजेपी देश में राज कर रही है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां इन्हीं ओबीसी वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही हैं। बिहार में जातीय गणना भी इसी का हिस्सा है। सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि कैसे चुनाव दर चुनाव ओबीसी वोटरों का मूड बदला है और बीजेपी मजबूत होती चली गई है। 2009 के चुनाव में जहां 22% ओबीसी वोटरों ने बीजेपी को वोट किया था, वहीं 2014 में आंकड़ा 34 और 2019 में 44% पहुंच गया। कांग्रेस को ओबीसी वोट 2009 में 24% मिले थे, लेकिन 2014 और 2019 में 15-15% से संतोष करना पड़ा। क्षेत्रीय पार्टियों को 2009 में 54% ओबीसी वोट मिले थे, जो 2014 में 51 और 2019 में घटकर 41% रह गया। मतलब ये कि ओबीसी वोट बैंक पर मोदी और बीजेपी की मजबूत पकड़ बन चुकी है और अब इसी वोट बैंक में सेंध लगाकर विपक्ष बीजेपी को मात देना चाहता है। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। इस बार मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर सीट से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत ने उनसे बीजेपी की इसी रणनीति को लेकर खास बातचीत की है, सुनिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। सांसदों को उतारने के पीछे रणनीति क्या है, ऐसे हमारे साथ वरिष्ठ सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। प्रहलाद भाई, आप तो 8 बार लोकसभा के चुनाव लड़े हैं और पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है और मैंने इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को और राज्य के नेतृत्व का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। मेरे लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, फिर जहां मैं पैदा हुआ और जहां राजनीतिक मेरी शुरुआत हुई वहां से लड़ूंगा, और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बेहद गर्व का क्षण है। ये बात को जम नहीं रही कि इतने वरिष्ठ सांसदों को पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो आखिर वो कार्यकर्ता क्या सोच रहा है कि आप ही सांसद रहेंगे, आप ही विधायक रहेंगे, उस कार्यकर्ता की कुछ सुध ली जा रही है कि नहीं? यही देवतुल्य कार्यकर्ता है। मैं 4 क्षेत्रों से लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहां का रहने वाला नहीं, शायद जातिगत गणित में मेरे अनुकूल नहीं रहे होंगे, लेकिन उस कार्यकर्ता ने ईमानदारी से मेरा काम किया। उसके मन में नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका क्या होनी चाहिए और जिसको मिलनी है उसको मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। और 18 साल सरकार चलाने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में जो गति है वो और गतिमान गतिशीलता उसमें हो, मोदी जी की योजना समय के साथ करना, बाकी चीजें बेहतर से बेहतर करना, इसके लिए अगर कोई अनुभवी जनप्रतिनिधियों को राज्य की राजनीति में लाया जा रहा है तो मैं पार्टी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं। एलाने जंग देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।